हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु मोहन एक बार फिर आपके सामने लेकर के आई हूँ अपनी न्यू रेसिपी, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, ओट्स की इडली। तो आज हम बनाएंगे ओट्स की इडली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, 2 कटोरी ओट्स लिए हैं, उसको पीस लिया है मैंने मिक्सी में, 1 कटोरी सूजी, 2 कटोरी ओट्स को डाल दिया है और 1 कटोरी सूजी, और इसके लिए हमें चाहिए होगा लगभग 1 कटोरी दही। अच्छे से इसको मिला लेंगे, ओट्स और सूजी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद में हम दही ऐड करेंगे। दही डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे इसको और थोड़ा सा पानी डालेंगे। गाढ़ा गाढ़ा हमें यहाँ पे पेस्ट बनाना है इसका। देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। पेस्ट हमारा ये देखिए लगभग तैयार हो गया है। इसी तरह से इतना ही गाढ़ा पेस्ट रखना है हमें। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इनो का 1 पैकेट। इनो पैकेट हमें तुरंत बनाने से पहले ही डालना है, बना करके रखना नहीं है ये पेस्ट। और इसको हल्के से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है इसको। अब इडली स्टैंड में चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें ये पेस्ट को हम डाल लेंगे। 5 मिनट में हमारी ये इडली तैयार हो जाएंगी। इससे ज़्यादा हमें इडली को पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही स्टीम करना है। देखिए पानी बॉयल हो चुका है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। देखिए इडली हमारी तैयार हो गई है, कितनी जल्दी, कितनी अच्छी फूली फूली दिख रही है। बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये इडली, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए इडली हमारी तैयार हो चुकी है। मैं एक और तरीके से भी इडली आपको दिखाऊंगी, फ्राई करके, फ्राई इडली कैसे बना सकते हैं। ये प्लेन इडली मैंने यहाँ पर हरी चटनी के साथ में सर्व करी है, आप चाहें तो नारियल की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा करी पत्ता लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने राई ली है। राई को मैंने फ्राई कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑनियन डाल करके ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। करी पत्ता भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज देखिए हमारा लगभग हो गया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इडली को डाल करके अच्छे से हिला लेंगे, चारों तरफ से इस तरह से हिला लेंगे। देखिए इडली हमारी फ्राई हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये, बहुत ही हेल्दी है ये। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा।